साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मनीष भदौरिया, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम शतक से। राजस्थान संकट पर प्रशांति कुमार धारीवाल ने बताया सच, बोले गहलोत के खिलाफ षड्यंत्र में ये लोग हैं शामिल। कांग्रेस सांसद ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, एसडीपीआई का बयान देश में अघोषित आपातकाल। इटली में मुसोलिनी समर्थक नेता बनेंगे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने दी बधाई। लोकसभा चुनाव की भाजपा ने शुरू की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में करेंगे समीक्षा बैठक। दिल्ली अबकारी नीति मामले में ईडी की कार्रवाई, शराब कारोबारी समीर महेंदू गिरफ्तार। राहुल गांधी ने 21वें दिन शुरू की भारत जोड़ो यात्रा, कई पार्टी नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाराज के खिलाफ रंगदारी के आरोप में सीबीआई जांच के, जहां देवेंद्र फडणवीस ने की थी सिफारिश। उपराष्ट्रपति ने आजादी के अमृत महोत्सव को सराहा, कहा आयोजन के जरिए देश में आजादी के कई नायकों को जान सका। सीआईएसएफ जवान ने पैसेंजर को सीआरपी देकर बचाई जान, चेन्नई एयरपोर्ट पर आया था कार्डियक अरेस्ट। ईडी की मांग पर नवाब मलिक का जवाब, कहा एजेंसी को नहीं मेरे स्वास्थ्य की पुख्ता जानकारी। पीएफआई पर 5 साल का बैन, टेरर लिंक के सबूत, सरकार ने कहा इसकी गतिविधियां देश की सुरक्षा को खतरा। राहुल का भाजपा पे तंज, केरल में राहुल गांधी बोले अंकिता इसलिए मरी क्योंकि उसके प्रोस्टिट्यूट बनने से इनकार कर दिया था। राजस्थान में अब हिरणों में भी फैला लंपी वायरस, आंख और शरीर पर गांठें बन रही हैं, 25 की मौत। गहलोत को क्लीन चिट, सीएम बने रहने के आसार, अध्यक्ष ने नॉमिनेशन पर सस्पेंस, 2 मंत्रियों और 1 चेयरमैन को नोटिस। जम्मू कश्मीर में जैश के 2 आतंकी मारे गए, कुलग्राम में एनकाउंटर जारी, 1 दहशतगर्दों घिरे रहने की आशंका। अखिलेश का अध्यक्ष बनना तय, लखनऊ में शुरू हुआ सपा का 2 दिवसीय अधिवेशन, कल होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। बाराबंकी में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्राली को मारी टक्कर, 2 मरे, 34 का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। सुरक्षा एजेंसियों ने बनाया 57 लोगों का डोजियर, पीएफआई मामले में 26 जिलों में हुई थी छापेमारी। अयोध्या में राम जन्म पर छाया उल्लास, गूंजे जय श्री राम के नारे, आज सांसद मनोज तिवारी बनेंगे परशुराम।
कानपुर में पुलिस के सामने जेई ने जहर खाकर दी जान पत्नी ने। झगड़े के बाद जेई के खिलाफ थाने में दी थी तहरीर। बुलंदशहर में एसपी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। बच्चों को बाटी टॉफी और फ्रूटी, बोले मंचलों पर रखी जा रही नजर। छहमार गिरोह का सदस्य मुठभेड़ के बाद अरेस्ट। मुजफ्फरनगर में पुलिस को गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, एक फरार। फतेहपुर में फांसी से लटकता मिला विवाहिता का शव। पति रेलवे में करता था काम, बोला देर रात लौटा तो कमरा अंदर से बंद था। अग्निवीर योजना को लेकर आरएलडी मुखिया का ट्वीट। जयंत ने कहा 2024 में हम सत्ता में आए तो अग्निवीर की नौकरी पक्की और योजना रद्द। सीतापुर में सड़क हादसे में महिला और पुत्री की मौत। हाईवे पर मवेशी आने से हुआ हादसा, मृतक बेटी की आज होनी थी सगाई। आगरा में पहले बदमाश को मारी गोली, फिर डोनेट किया खून। रेयर ब्लड ग्रुप होने के कारण नहीं मिल रहा था खून। जौनपुर में बनेगा गर्ल्स आईटीआई। 6 ट्रेड्स के मिली मंजूरी। 11,58,00,000 रुपए की लागत से बनेगा कॉलेज। नदी में कूदने जा रही दो बहनों को पुलिस ने बचाई जान। रायबरेली में पिता की डांट व मारपीट से थी परेशान। हरदोई में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। बेकाबू ट्रक ने 2 बाइकों को रौंदा, पुलिस ने घेराबंदी कर चालक को दबोचा। मथुरा पुलिस ने 4 शादी ठगों को किया गिरफ्तार। एटीएम कार्ड बदलकर करते थे ठगी, चोरों के पास से 41 कार्ड बरामद। इटावा में 2 अज्ञात बदमाशों पर मुकदमा दर्ज। इटावा में लूट के इरादे से महिला के घर में घुसे थे बदमाश, अब तक नहीं पकड़ पाई पुलिस। स्टेशन से पकड़े गए चांदी के बिस्कुट गहने। उत्कल एक्सप्रेस में उड़ीसा से मथुरा जा रही थी 7 किलो चांदी आरपीएफ ने पकड़ी। कानपुर में पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में बनी मजार को लेकर हंगामा। विहिप कार्यकर्ताओं ने गेट लगाए जाने का किया विरोध। कुशीनगर में हरियनवती नदी के छात्र ने लगाई छलांग, साइकिल पुल पर फेंक कर कूदा, गोताखोर कर रहे तलाश। नए परिसीमन की अंतिम सूचना अधिसूचना जारी। नगर निगम प्रयाग राज्य 8 वार्डों का वजूद खत्म, अब 100 वार्डों पर होगा चुनाव। बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता तो सिर्फ सपा, अखिलेश बोले 2019 और 2022 दोनों चुनाव के प्रयोग सफल। यशवंतपुरम ट्रेन से युवक की लूट, चलती ट्रेन से किया धक्का। ललितपुर में बेतवा नदी में गिरा युवक हुआ घायल, जान में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई करते समय झुलस रहे लोग, जांच कमेटी ने 2 स्थानों पर छापेमारी, सील किया ज्वलनशील तेल का स्टॉक। एसटीएफ आईबी ने अलीगढ़ एसडीपीआई और प्रदेश अध्यक्ष से पूछताछ। 22 घंटे चली पूछताछ के नए सदस्यों का मांगा रिकॉर्ड, आरोपी को भेजा जेल। कौशाम्बी में तालाब पर अवैध कब्जा, 9 ग्रामीणों को तहसील प्रशासन ने दिया नोटिस, अवैध तरीके से बना लिया है मकान।
हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो बदमाशों के पैरों में लगी गोली, ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से की थी लूट। मुजफ्फरनगर में पीएफआई पर शिकंजा खड़ा कर रही है एटीएस, सीएफआई कोषाध्यक्ष अतिकुर रहमान और इस्लामी कासमी जेल के एसडीपीआई भी रडार पर। कानपुर देहात में घंटों एम्बुलेंस के लिए भटकता रहा युवक, ना मिलने पर पैदल ही शव को लेकर चल पड़ा। सड़क हादसे में बच्चे की हो गई थी मौत। लखीमपुर खीरी में नेशनल हाईवे पर हुआ था भीषण एक्सीडेंट, हादसे में 7 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत, 25 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। चंदौली में संदिग्ध हालत में महिला रेलकर्मी की मौत, गला दबाकर की गई हत्या की आशंका है, पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तराखंड में दरोगा भर्ती में जीवी पंत वीवी के अधिकारियों की भूमिका की संदिग्ध, विजिलेंस जांच में ओएमआर सीट गायब होने का आया सामने। उत्तराखंड सीएम और मंत्रियों की दिल्ली दौड़ने से चढ़ाया राजनीतिक पारा, भर्ती घबले और अंकिता हत्याकांड पर भाजपा हाईकमान गंभीर। उत्तराखंड में आयुर्वेद विश्वविद्यालय में पुलकित की दबंगई के चर्चे, छात्र के रूप में मिला था वीआईपी ट्रीटमेंट। अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने सरकार को किया कटघरे में खड़ा, स्टिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की। अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदीप टम्टा बोले, बिगड़ती कानून व्यवस्था व नियुक्ति में धांधली के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार। उत्तराखंड के देहरादून में दुर्गा महोत्सव को लेकर उल्लास, तैयारियों में जुटे आयोजक। मिलन सारथी अंकिता पिता की मदद को किया एचएम, पहली सैली मिलने से पहले मिली मौत। अंकिता के स्वजन को दी जाएगी 25 लाख की आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड को मिला बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, राज्य में पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए भी प्रदेश को मिला प्रथम पुरस्कार। उत्तराखंड में मौसम ने दी हल्की राहत, पर्वत क्षेत्रों में अगले कुछ दिन हल्की बौछार के आसार। मसूरी में होटल सील, लाइसेंस निरस्त और लगाया जुर्माना, संयुक्त टीम ने होम स्टे रिजॉर्ट्स स्पा सेंटर का किया निरीक्षण। इंटरनेट मीडिया की टिप्पणों से आहत है अंकिता का परिवार, बस जुमानी को लेकर लोगों में उबाल। उत्तराखंड हाई कोर्ट की ओर से नियुक्त न्याय मित्र ने कहा कि चीन नेपाल के नेटवर्क पर निर्भरता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। उत्तराखंड आयोग की ओर से विजिलेंस की अभिलेख देने में की जा रही है आनाकानी, पेपर लीक प्रकरण में चल रही है जांच। अंकिता हत्याकांड के मामले में पटवारी वैभव प्रताप सस्पेंड, गुमशुदगी की खबर के बाद भी किसी को नहीं दी जानकारी। पुतिन के आदेश का असर, यूक्रेन के खिलाफ लड़ने से बचने के लिए रूस के लोग भाग रहे हैं जॉर्जिया बॉर्डर पर, हजारों गाड़ियों की कतार।
हिजाब के विरोध के आगे और तेज पलटवार या तख्तापलट की बड़ी आशंका। सेना के टॉप कमांडर ने परिवार को सेफ हाउस में भेजा। बढ़ती तेल कीमतों पर विदेश मंत्री ने जताई चिंता। जयशंकर बोले भारत की कमर तोड़ रही है तेल की बढ़ती महंगाई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बोले इमरान खान को नजरअंदाज कर दुनिया के ज्यादातर लोग हैं खुश। नेपाल के माउंट मनसुलू में भारी हिमस्खलन, 3 पर्वतारोहियों की दर्दनाक मौत, 7 लोग को बचाया गया। दस दिन बाद नजर आए जिनपिंग, सोशल मीडिया पर हाउस अरेस्ट की अफवाहें थी। अगले महीने तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। समंदर में चीन का दखल, दूसरे देशों की समुद्री सीमा में पकड़ रहा है मछलियां, सारे जल जीवों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। समुद्री चक्रवात यान ने क्यूबा में मचाई तबाही, आल फ्लोरिडा में दस्तक देने की आशंका। बाल्टिक सागर में रूस की गैस पाइपलाइन में रिसाव, सोची समझी साजिश के तहत क्षति पहुंचाए जाने की आशंका। कट्टरपंथ उग्रवाद और कट्टरपंथी के मुद्दे पर जयशंकर की दो टूक, कहा भारत और अमेरिका को मिलकर करना होगा मुकाबला। देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च, टाटा ने उतारी टियागो ईवी, कीमत 8.5 लाख रुपए के आसपास होगी, एक बार चार्ज करने में 315 किलोमीटर चलेगी। आज से शुरू हुई आरबीआई की बैठक, ब्याज दर बढ़ाने का हो सकता है ऐलान, इस साल अब तक 1.40% की बढ़ोतरी। डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हुआ, 81.93 के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंचा। जनवरी से मार्च 22 के दौरान 3.5 लाख कर्मचारी बढ़े, 5 बड़े क्षेत्रों में दोगुनी भर्ती अकेले आईटी सेक्टर में। लॉन्च हुआ पहली फ्लेक्स फ्यू कार, टोयोटा लाएगा इंडिया की पहली फ्लेक्स फ्यू कार, 55 रुपए लीटर वाले एथेनॉल से भी चलेगी। एससीसी के डेटा रिजोल्यूशन प्लान का असर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का शेयर 20% से तेजी, पिछले 2 साल में 170 रिटर्न दिया। $10 साल में $100 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे अडानी, फोर्ब्स की ग्लोब सीईओ कांग्रेस ने बताया फ्यूचर प्लान। दुनिया की सबसे पुरानी हिस्की की नीलामी, 1.75 करोड़ रुपए रखी गई, द मैकलन द रिच की कीमत 1949 में बनाई गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के प्रमुख के साथ की बैठक, अनुसूचित जातियों के लिए योजनाओं की समीक्षा की। ब्लूमबर्ग ब्लेलियंस इंडेक्स में 3rd स्थान पर खिसके गौतम अडानी, अंबानी टॉप 10 से बाहर। शुभम दिल ने इंग्लैंड में भी दिखाया दम, काउंटी क्रिकेट के लगाया अपने कैरियर का पहला शतक। पुर्तगाल की दिल तोड़ने वाली हार, मैदान पर रो पड़े रेनाल्डो, मेसी की जीत का शतक।
स्टार पेसर की तुलना शोएब अख्तर के साथ करने पर पाक कप्तान सलमान बट ने कहा उफ, को अभी काफी कुछ हासिल करना है। रवि जडेजा का ताजा हेल्थ अपडेट सामने आया। सर्जरी के बाद पैदल चलने में संघर्ष करते नजर आए स्टार ऑलराउंडर। नेपाल क्रिकेटर टीम के भगोड़े कप्तान को पकड़ने के लिए इंटरपोल का सहारा लेगी पुलिस। स्टार क्रिकेटर की तलाश में नोटिस जारी। दिलशान ने जीत लिया दिल। रायपुर के मैदान में बांग्लादेश को श्रीलंकाई खिलाड़ी ने 70 रनों से हराया। चार्ली डिन के मार्क डिन विवाद पर चोरी टुप्पी दीप्ति से रन आउट हुई। इंग्लैंड की खिलाड़ी बोली अब क्रीज में ही रहूंगी। विक पोर्टरफील्ड की ओपनिंग पार्टनरशिप से जीते क्वींस। गुजरात जैटर्स को 57 रनों से हराया। टीम टॉप टू में आई। पाकिस्तान के पास हार्दिक पांड्या जैसा कोई नहीं, शाहिद अफरीदी ने एक टीवी शो के दौरान माना। कप्तान संजू सैमसन का सुपर हिट शो। तीसरा वनडे जीतकर न्यूजीलैंड को 3-0 से किया क्लीन स्वीप। एक 1,000 करोड़ फीस पर सलमान का जवाब। बिग बॉस के होस्ट बोले अगर मुझे इतने पैसे मिले तो मैं लाइफ में कभी काम नहीं करूंगा। महेश बाबू की मां का निधन। नहीं रही घटा मनेनी देवी इंदिरा देवी। 8 महीने पहले बड़े भाई को खो चुके हैं एक्टर। सोनाक्षी सिन्हा ने खत्म की निकिता राय की शूटिंग। 35 दिनों में पूरा किया 40 दिनों का शेड्यूल। सारा का अतरंगी अवतार। उड़ती जुल्फे लहराता पल्लू। रॉयल ब्लू साड़ी में दिखा ग्लैमरस लुक। वीडियो में जीता फैंस का दिल। पीएम मोदी ने दिया दिवंगत लता मंगेशकर को याद। बर्थ एनिवर्सरी पर पोस्ट शेयर करके कहा उनसे हुई अनगिनत बातें मुझे आज भी याद हैं। नोरा फतेही का इंडियन लुक। ग्रीन साड़ी में दिखी बेहद खूबसूरत। वीडियो देख फैंस ने की तारीफ। एयरपोर्ट पर मस्ती करते दिखे ऋतिक रोशन व सैफ अली खान। एल्कोहलिक सॉन्ग पर डांस स्टेप करते नजर आए दोनों। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हुई हॉस्पिटलाइज। कल से हो रही थी उलझन। पहले से तबीयत में हुआ सुधार। आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 22 साल बाद किसी महिला को मिला है ये सम्मान। अजय देवगन ने फैंस को दिलाई 2 अक्टूबर की याद। शेयर किए पुराने बिल्स। फैंस को दिया दृश्यम 2 का हिट। फिलहाल प्राइम शतक में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस सरोकार।